आज कार्यालय का लोकार्पण हुआ है और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी अध्यक्ष कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय संगठन महामंत्री हितानंद जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी, जिलाध्यक्ष आलोक जी, मेरे विधायक साथीगण मुनमुन जी, राकेश जी, कंवर साहब वेद सिंह जी, मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारीगण और सेविनी के मेरे कार्यकर्ता बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। कार्यक्रम शांति से चलेगा लेकिन मुझे यहां से निकलकर दतिया भांडेर पहुंचना है और इसलिए अध्यक्ष जी बोलेंगे, महामंत्री जी बोलेंगे, वरिष्ठ नेतागण भी बोलेंगे, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देके आज मुझे निकलना पड़ेगा। मैं नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना ये कार्यालय जहां बैठ के हम अब काम की योजना बनाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाएंगे, उसका केंद्र बनेगा हमारा कार्यालय। ये कार्यालय हमारे लिए पवित्र मंदिर है, मंदिर से कम नहीं है हमारा कार्यालय। जब बैठ के हम काम करेंगे, यहां से संगठन के विस्तार की लहर चले, जनसेवा की लहर चले, यहां ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जनता की सुनवाई भी हो, आवेदन भी आए हो, प्रोसेस करके हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कार्यालय शासकीय भोपाल तक की जरूरत हो तो पहुंचे, तो जनता को भी राहत जाने का केंद्र बने, नए नए कार्यकर्ता जुड़े, संगठन का विस्तार हो और इसी कार्यालय में बैठ के ऐसी योजनाएं बने कि 2023 में चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी विजय, चारों सीटों पर विजय प्राप्त करे। कांग्रेस ने हमारे जिले के साथ बहुत अन्याय किया, हमने छीने छीना मेडिकल कॉलेज छीन ले लेते हैं, जब कमलनाथ न्याय जाने वाला था लेकिन नहीं पा रहा हूं, अब वो अन्याय समाप्त हो रहा है। अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया था, उस अभियान के अंतर्गत मुझे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों बताते खुशी है, 1,12,000 नए हितग्राहियों का नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिया गया है, जोड़ा जा रहा है। वो हर गांव के हर पंचायत शहर के उसका भी एक अलग से कार्यक्रम करेंगे, ये स्वीकृति पत्र वितरण होने का कार्यक्रम होगा, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। मैं कार्यकर्ता के नाते आपको ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार जनता की बेहतर सेवा करते हुए और अपने संगठन को साथ काम करते हुए जनसेवा और विकास का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। एक बार पुनः उन सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को जिन्होंने कार्यकर्ता के निर्माण में कार्यालय के निर्माण में सहयोग किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर जल्दी मैं जब सिवनी आऊंगा तो इस कार्यालय में भी हम बैठ कर पूरा देखेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे और जनता के बीच का कार्यक्रम भी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम नमस्कार। कार्यक्रम यथावत चलेगा। अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सबका स्वागत होगा, चर्चा और बातचीत होगी। मैं इधर से कार्यकर्ताओं से निवेदन, यही बैठे, मैं अगली बार आऊंगा तब मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।